Hi everyone, my name is Shruti Jain and I'm your faculty of international marketing. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves. अभी अनलॉक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकले और अपना प्रिकॉशंस ना लें. अच्छे से प्रिकॉशंस लें और आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, अच्छे से प्रिपेयर करें. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग और एनी टॉपिक, प्लीज़ डू लेट मी नो, जिससे कि मैं आपके लिए उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड कर सकूँ या फिर आपको जूम मीटिंग में आपको वो डाउट क्लियर कर सकूँ. प्लीज़ अटेंड योर जूम लेक्चर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो दैट इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी और क्लियर कर सकते हो आप वो डाउट वहीं. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस कि क्या क्या इशू होते हैं इंटरनेशनल प्लानिंग में हमारे. जब आप इंटरनेशनल प्लानिंग करते हो तो उसके क्या क्या इशू होते हैं एंड हाउ द मार्केटर हैव टू डू डील विद दोज इशूज. सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कवरिंग योर इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन रिसर्च. सो मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारा CIS होता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होता सॉफ्टवेयर होता है, या फिर हमारा MIS होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है. ऐसे हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिसर्च. सो इन दिस सिस्टम क्या होता है, कंपनी जो होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर्स और जो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं. लाइक इफ़ आई एम अ हार्ड मार्केटर, मैं मार्केटर हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर रही हूँ अपना, मेरा हेडक्वार्टर इंडिया में है, मेरी सब्सिडरी कहाँ पर है, आपकी US में जाके मेरी सब्सिडरी है. सो मेरा है सेंट्रलाइज कहाँ होगा, इंडिया में हुआ. तो सेंट्रलाइज जो एरिया है वो एक कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपनी सब्सिडरीज की, वो एक US में है, US में भी बहुत सारी सिटीज़ है, सब जगह आपकी सब्सिडरीज है. सो कैसे मैं अपना डेटा स्टोर कर रही हूँ, किस लेवल पे मैं अपना डेटा स्टोर कर रही हूँ, सो दिस इज़ द सिस्टम. तो इन दिस लेक्चर वी विल बी कवरिंग कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. सो यहाँ पर हम ये कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे, प्रोसीजर पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे. So what is a IMIS? An organized collection of telecommunication equipments. So वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, हमने ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है, कलेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट. कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं एंड सॉफ्टवेयर डेटा एंड अ पर्सनल डिज़ाइन टू कैप्चर स्टोर अपडेट मैनिपुलेट एनालाइज एंड इमिजिएटली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड बिजनेस एक्टिवली. सो अब मैं आ गया हूँ, मेरा हेडक्वार्टर है इंडिया में, मेरी सब्सिडी US में है, US की मेरी 18 कंट्री में मेरी अपनी सब्सिडीज़ हैं, चाइना में है. सो टोटल इन ऑल मेरी कितनी सब्सिडीज़ हैं, मैंने बताया मेरी 50 सब्सिडीज़ हैं, हेडक्वार्टर मेरा इंडिया में है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन और कितनी भी मैनेजमेंट के पास उसको स्टोर करने के लिए डेटा पॉसिबल नहीं है अंटिल अनलेस जब तक वो डेटा हमारा कंप्यूटर के थ्रू स्टोर नहीं किया गया है. सो यहाँ पे क्या करते हैं, IMIS में क्या करते हैं, डेटा आपका सारा का सारा कंप्यूटर के थ्रू स्टोर किया जाता है, जिससे कि अगर हमारे को कोई भी किसी भी सब्सिडी का इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करके उस पे से आप डेटा ले सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा, किस तरीके से होता है, दो तरीके से यूज़ किया जाता है. इंटरनल किस तरीके से किया जाता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, कितना एक्सपोर्ट किया गया है, कितना इंपोर्ट किया जा रहा है. ट्रेडिंग डीलिंग में किया जाता है, ट्रेंड फोरकास्टिंग में किया जाता है एंड कस्टमर्स के सर्विस के लिए किया जाता है. एक्सटर्नल किस तरीके से किया जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज, एम्बेसीज एंड हाई कमीशन्स के थ्रू. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन WTO के थ्रू किया जाता है, UNESCAP के द्वारा किया जाता है एंड स्पेशलाइज्ड प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू ये सब हमारा डेटा स्टोर किया जाता है. सो नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द बेसिकली दिस इज़ द मेन टॉपिक, क्या आपका आएगा वहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपकी और आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है. ये नहीं कि आपका कि ऐसे है कि आपने आज अपना आधा तो आपने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, आधा आपके नोट्स में रखा हुआ है, आधा कहीं है, नहीं. ये क्या होता है, सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपके कंप्यूटर के बेस में थ्रू स्टोर होती है. लाइक इफ आई एम हैविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट माय दैट सब्सिडरी, दैट विल बी स्टोर्ड इन माय कंप्यूटर, आई नीड टू क्लिक दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस करना पड़ेगा तब मेरे को. तो इसका ये सबसे ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाता है, क्योंकि जब भी मैं कंप्यूटर के थ्रू करूँगी वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आपका काम होता है.
क्विक होता है, सिलेक्टिव होता है एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ऑटोमेटिक फॉर्म, इट इज़ वेरी इजीली टू एक्सेस. कि मुझे पता है कि मुझको किस तरीके से कंप्यूटर चलाना है तो मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, कि क्विक हो जाएगा. अब मैं उसको लिखूंगी, एक एक चीज़ स्टोर करूंगी, देन उस पर मैं वर्क करूंगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बट अगर हम कंप्यूटर के थ्रू कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका एक्सेस बहुत ईजीली हो जाता है और वो सिलेक्टिव होता है. हमारा जो सिलेक्टिव डेटा होगा वो ही स्टोर किया जाएगा. आपका ईजी एक्सेस होता है, जो बहुत ईजीली एक्सेस हम कर सकते हैं. इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो मेरे कॉम्पोनेंट्स हैं डेटा के वो एक साथ से इंटर रिलेटेड होते हैं. लाइक मेरा ये डेटा है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता करना है, वो इंटर रिलेटेड होते हैं हमारे. फ्यूचर ओरिएंटेड होता है हमारा, सपोर्ट्स करता है डिसीजन मेकिंग को. कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, एप्लीकेबल एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अगर हमारा देखा जाए फाइनेंस के लिए वो एप्लीकेबल होगा, आपका प्रोडक्शन के लिए होगा, वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, उसे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेना है. इट विल बी सेविंग योर लॉट ऑफ टाइम, टाइम सेव करेगा, हसल सेव करेगा, आपका स्पेशलाइज डेटा हो जाएगा बेसिकली देखा जाए. और ऑल लेवल पे कैसे किया जाएगा, आपके सेंट्रलाइज लेवल पे यूज़ किया जाएगा. अगर आपको मैं इंडिया में मेरी हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो डेटा एक्सेस कर सकता है. अगर किसी सब्सिडरी को हेडक्वार्टर के बारे में जानना है वो वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकती है, या फिर दूसरी सब्सिडरी एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं. सो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर एट एवरी लेवल. डेटा को क्या करता है, इंटरलिंक कर लेता है डेटा को. जैसे अगर मेरी आज यहाँ पे सब्सिडी मेरी US वाली सब्सिडी और चाइना वाली सब्सिडी को आपस में दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, दे कैन ईजिली एक्सेस द डेटा रिलेटेड टू दैट सब्सिडी. सो दीज आर द वेरी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको यही आएगा एग्जाम में. नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा इन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का. इट कैन लीड टू मैनेजर्स को क्या क्या हेल्प करेगा, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स में हेल्प करेगा. जब मेरे पास डेटा बहुत कंसाइज फॉर्म में अवेलेबल होगा, बहुत अच्छे से डेटा अवेलेबल होगा, सो इट विल हेल्प मी टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट्स. आई कैन डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट ईजिली, इम्प्रूव करेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. अगर जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको मैं अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हूँ. मेक चेंजेस किस में, प्राइस में, प्रमोशन में, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स में. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हमारे 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सब आपके जो 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये आपके चारों जो प्रोडक्ट मिक्स है आपको उसमें वो हेल्प करता है. जब मेरा सारा का सारा डेटा बहुत कंसाइज फॉर्म में अवेलेबल होगा, सारा चीज़ें मेरे पास अच्छे से अवेलेबल होंगी, तो क्या हो जाएगा, मैं नया प्रोडक्ट बनाऊंगी. अच्छा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगी, अपना जो 4 P's है उसको अच्छे से कर पाऊंगी. सो क्या क्या होता है, ये डिटरमाइनिंग करता है आपका रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन में. लाइक अगर मेरे पास किस तरीके से हेल्प करेगा, ऑफिस के लिए हम बात करते हैं, तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में आपको हेल्प करता है, ये सेंट्रलाइज्ड होता है. तो सबसे पहले अगर सेंट्रलाइज लेवल पे देखा जाए तो सेंट्रलाइज मतलब अगर मैं हेडक्वार्टर मेरा है तो मुझे क्या फ़ायदा होगा इसका. द रिसर्च स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन बाय द होम ऑफिस एंड फॉरवर्ड टू कंट्री ऑपरेशन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन. लाइक मैंने हेडक्वार्टर में कोई आज डिसीजन लिया, ये नहीं कि मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि ये हमने डिसीजन लिया है कल से ये एप्लीकेबल होगा. नहीं, अगर मेरे कोई आज इन्फॉर्मेशन लिया है, कोई मैंने डिसीजन लिया है एज अ होम कंट्री में, और जो मेरी सब्सिडरीज कंट्रीज होंगी उनमें क्या होगा, आपका इन्फॉर्मेशन, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू आपका सारा डेटा कन्वे किया जाता है. ये नहीं कि आप फ़ोन कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हेडक्वार्टर ने डिसीजन ले लिया है आपका, वो आपका कन्वे हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे कि आपको जो किसी को भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दे नीड टू क्लिक दैट इन्फॉर्मेशन. कोऑर्डिनेशन के लिए कैसे हेल्प करता है, एंड इमीडिएटरी जो इंटरमीडिएटरी है, अगर मेरी कोई सब्सिडरी है सच एन आउटसाइडर रिसर्च एजेंसी, ब्रिंग हेडक्वार्टर एंड कंट्री ऑपरेशन टुगेदर. सो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर देता है जो डेटा होगा. मैं अपने आई नीड टू अपडेट माई डेटा, जो सब्सिडरी होगी उसको अपना डेटा अपडेट करना पड़ेगा, हेडक्वार्टर है उसको अपना डेटा अपडेट करना पड़ेगा. सो दे नीड टू कोऑर्डिनेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, कि बिकॉज वो अपना डेटा अपडेट कर रहे हैं, हेडक्वार्टर अपना डेटा अपडेट कर रहा है, तो बहुत ईजिली अगर मुझे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन
चाहिए, आई कैन गो टू दैट सॉफ्टवेयर. अगर किसी और को किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं वो वहाँ से कोऑर्डिनेट कर लेगा. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ईजिली हो जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मैं अपनी पावर ईजिली आपको दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई भी काम है मैं आपका इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेस कर सकती हूँ. मुझे लगता है कि हाँ ये इंडिविजुअल बहुत अच्छा है काम करने के लिए, सो आई कैन रिलाई ऑन दैट. कि हाँ ये नहीं कि मुझे सब कुछ मुझे खुद से मॉनिटर करना है, नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन गया, आप इसके थ्रू अपना डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो. कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होते हैं, इस्टैब्लिश करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेलीगेट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट टू द लोकल कंट्रीज. लोकल कंट्रीज में ईजिली वो पावर आपके डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है टूल फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज. कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि कैसे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो दो अगर आपके पास डेटा है. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हेल्प करता है कि क्या क्या आपको, अगर इस कंट्री में मेरे पास ये डेटा है तो मैं उस कंट्री में कैसे हमारा ये हेल्पफुल हो रहा है, कि इस कंट्री की सेल इतनी बूस्ट क्यों कर रही है, दूसरी कंट्री की सेल कम क्यों हो रही है. सो ये क्या करेगा आपको डेटा को, इन्वायरमेंट को स्कैन करने में, कि वहाँ का डेटा क्या है, वहाँ के इंडिविजुअल के थॉट्स क्या है, वहाँ के लोगों का क्या नीड्स है. सो सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन दैट माइट अफेक्ट द कॉर्पोरेशन ऑपरेशन. सो वो हमारे को हेल्प करता है इस चीज़ में. ग्रिड्स बनाते हैं. ग्रिड्स क्या होता है, मैट्रिक्स होती है हमारी. सो अपॉर्चुनिटी रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं. कंपनी डिसाइड्स और इंडिकेट करती है, वेट्स देम अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्री. अपनी कंट्री के जो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वो उसको देखते हैं कि कैसे कैसे आपको यूजफुल हो जाएगा. कंट्री एक्टिवनेस देखेगी, कंट्री कितनी एक्टिव है. कंपनी स्ट्रेंथ मैट्रिक्स बनाई जाती है अपनी यहाँ पे. अब कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन एंड इसका प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से बनाया जाता है. एस्टैब्लिश सुटेबल मार्केटिंग मैट्रिक्स. सबसे पहले तो मुझे एक सुटेबल मैट्रिक्स बनानी है. क्या डिमांड है, कितनी नीड है, कितने लोगों का डिमांड है, किस मार्केट में मुझे जाना है, क्या उस मार्केट के नीड्स होंगे, क्या उस मार्केट के प्रोज होंगे, क्या उस मार्केट के कॉन्स होंगे. सो आई नीड टू डेवलप अ प्रॉपर सुटेबल मार्केट मैट्रिक्स. मार्केट बना ली मैंने, उसके बाद क्या करेंगे, कलेक्ट रेलिवेंट डेटा. मुझे डेटा कलेक्ट करना है, इंटरनल सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ और एक्सटर्नल सोर्स से, दोनों सोर्सेज से मुझे डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग माई टॉपिक, जो भी मेरा मार्केटिंग का टॉपिक होगा. प्लॉट, फिर उस डेटा को क्या करना है, ग्राफ्स के थ्रू या फिर चेंजिंग जो ट्रेंड्स होते हैं उसके थ्रू आपको प्लॉट करना है. कि मैंने जगह हमने एक ले लिया कि यहाँ पे कितनी कस्टमर्स की डिमांड है, ये हमारा टॉपिक हो गया. फिर उसके बारे में मैंने इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स से दोनों से इन्फॉर्मेशन ले लिया. फिर मैंने उसका ग्राफ बना लिया कि ग्राफ ये इतना डेटा है, इस कंट्री में इतनी डिमांड है, इस कंट्री में इतनी डिमांड है. कम्युनिकेट करती है वो इन्फॉर्मेशन मुझे रेलिवेंट डिपार्टमेंट पे. अब मुझे क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए. अगर हाई डिमांड है, लाइक सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या करा मैंने, एक हमने ऐसे करा कि सबसे पहले हमने मार्केट को एनालाइज कर लिया कि क्या नीड है लोगों की. आज के टाइम में सैनिटाइजर्स की बहुत नीड है. मैंने किससे पता चला, इंटरनल एक्सटर्नल डेटा से डिमांड पता चला. फिर मैंने उसका ग्राफ बनाया कि कहाँ कहाँ पर उसकी नीड है. इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि जैसे इसराइल में उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे और कई कंट्री है वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, इंडिया में मुझे सबसे ज़्यादा नीड है. मैंने वहाँ ग्राफ बना दिया. फिर मैंने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बता दिया कि यहाँ पे इतनी इस चीज़ की नीड है. इतना फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताया कि इसके लिए इतना मुझे पैसा चाहिएगा. फिर लास्ट में क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल कॉल ऑफ एक्शन आपको लेना है उसके बाद. ठीक है, सो सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, टॉपिक डिसाइड करना है कि क्या टॉपिक होगा. फिर उसके ऊपर आपको अपना एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स से डेटा लेना है. फिर उसको ग्राफ के थ्रू बनाना है, विजुअलाइज करना है. फिर उसके बाद क्या करना है, आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बताना है कि ये ज़रूरत है, ये उसका नीड है. और उसके बाद लास्ट में उसका एक्शन प्लान डिसाइड करना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन मार्केट. इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आएंगे. सो इसके बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ डू आस्क मी इन योर जूम मीटिंग. थैंक यू.